नमस्कार, ग्वालवंशी जीएस सेंटर में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस समय भारत देश की जनता दो प्रकार से मर रही है, एक तो कोरोना के कारण और दूसरा पेट्रोलियम पदार्थ में महंगाई के कारण। भारत सरकार ने इस समय कोरोना के ऊपर काफी हद तक सफलता हासिल कर लिया है, वैक्सीनेशन करते हुए जनता को सुरक्षित घरों में पहुंचा दिया है, लेकिन वहीं पेट्रोलियम पदार्थ में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। भारत का पेट्रोल नेपाल और भूटान में 72 रुपये पर लीटर मिल रहा है भारतीय रुपए में, और भारत देश का ही पेट्रोल भारत देश में 108 रुपये लीटर मिल रहा है। ऐसा क्यों? भारत देश का पेट्रोलियम मंत्रालय का जो प्रधान जी है, धर्मेंद्र प्रधान जी, उनकी एक साइट है पीपीएसी, पेट्रोलियम मंत्रालय की पीपीएसी साइट का डेटा मैं आपको देने वाला हूँ। आप जानेंगे उसके बारे में कि कितना रेट, कितना टैक्स भारत सरकार लगाती है और कितना रेट भी भारत को मिल जाता है, कितना रेट होना चाहिए। आइए हम समझते हैं। भारत देश का साथी जो पेट्रोलियम मंत्रालय है, इसका पीपीएसी एक साइट है, पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सिंह जो है सेल, इसमें ये कहती है कि भारत देश को एक बैरल पेट्रोल जो है ये मिल जाता है $71 का। जैसे ही नाम डॉलर और बैरल का आता है, भारत देश के किसान, भारतीय ग्रामीण क्षेत्र की जनता, अनपढ़ जनता नहीं समझती इसके बारे में। उनको चाहिए रुपए मार्केट जाने के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि वो क्या क्या कर रहे हैं क्या समझेंगे, डॉलर बैलर कौन समझेगा। तो आप समझिए, हम समझने की कोशिश करते हैं इसको कि कितना रुपए मिलता है, क्या भारत सरकार में रेट तय करते हैं। देखिए, इसको हम कन्वर्ट करते हैं, एक बैरल के बराबर होता है साथियों 159 लीटर, और एक डॉलर के बराबर होता है साथियों 74 रुपए। यदि इसको कन्वर्ट कर दे तो हम देखेंगे कि भारत देश में पेट्रोलियम कितना मिलता है, कच्चा पदार्थ किस रेट से भारत सरकार आयात करती है। अलग अलग देशों से भारत सरकार पेट्रोलियम पदार्थ, कच्चा पदार्थ आयात करती है। अमेरिका, रशिया, नाइजीरिया, ब्राजील और खाड़ी देशों से भारत देश आयात करती है। भारत सरकार को एक बैरल $71 मिलता है। इसको हम कन्वर्ट करते हैं, आप देखेंगे एक बैरल को कन्वर्ट किया हमने, एक बैरल इक्वल टू $71 लिखा हुआ है। इसको कन्वर्ट करते हैं 159 लीटर, 71 इंटू, मैं यहाँ ले लेता हूँ 74, क्योंकि डॉलर को मैंने कन्वर्ट कर दिया इंडियन रुपीज में, तो यहाँ पर 159 लीटर बराबर साथियों 5,254 रुपए का आ जाएगा। 5,254 रुपए का 159 लीटर कच्चा पदार्थ पेट्रोलियम का। तो एक लीटर कितने का आएगा, एक लीटर जाएगा 5,254 डिवाइडेड बाई 159 इक्वल्स टू आएगा 33 रुपए। यानी साथियों, एक लीटर जो पेट्रोल है ये मिलता है हमको 33 रुपए का कच्चा पदार्थ। उसके बाद भारत सरकार इसको बुला लेती है इस रेट पर। बुलाने के बाद में इसके ऊपर काम शुरू होता है, टैक्स लगने का काम शुरू होता है। और टैक्स किस प्रकार से लगता है आप देखिए, भारत देश की सरकार किस प्रकार से टैक्स लगाती है वो आप यहां पर देखेंगे। सबसे पहले लगता है केंद्र का टैक्स, इसको बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी। जो एक्साइज ड्यूटी है साथियों, ये भारत सरकार ने 33 रुपए पर लीटर लगाना शुरू किया है, 33 रुपए, एक लीटर पर 33 रुपए एक्साइज। साथों साथ में राज्य सरकार का सेल्स टैक्स लगता है। जो सेल्स टैक्स लगता है वो कितना है, ये राज्यों के ऊपर डिपेंड करता है। एक लीटर पे कितना सेल्स टैक्स लगाना है राज्यों के ऊपर डिपेंड करता है। भारत देश के राज्य अलग अलग लगाती है इसको, दिल्ली सरकार 19 रुपए, एमपी सरकार 25-26 रुपए, इसी प्रकार से 28 रुपए, कोई 17-18-20, इस प्रकार राज्यों के ऊपर डिपेंड करता है। मैं इसको एवरेज मान लेता हूँ 26 रुपए। और एक लगता है जो आता है डीलर टैक्स, जो डीलर्स है इनका टैक्स कितना लगता है, 4 रुपए पर लीटर। इस प्रकार से और भी टैक्स लगते हैं, लेकिन मोटे में तीन टैक्स बता दिया आपको। तीन टैक्स कितने लग जाते हैं इसको यदि हम इंक्लूड करेंगे तो देखेंगे, यहां जोड़ लेते हैं इसको, ये हो जाता है साथियों 63 रुपए पर लीटर। आप यहीं पर तीन टैक्स नहीं देखेंगे तो 63 रुपए टैक्स हो गया, 33 रुपए ये हो गया। तो 63 और 33 इस प्रकार से मिलाकर के साथियों 96 रुपए पर लीटर पेट्रोल हो गया। इसके अलावा और भी टैक्स है, बहुत सारे टैक्स लगते हैं, इस प्रकार से यदि वो टैक्स जोड़ दे तो 108 रुपए पर लीटर पेट्रोल मिल रहा है। भारत देश की सरकार यदि चाहे तो यहां जो टैक्स है ये वाला, इनको थोड़ी कटौती कर सकती है, यदि इसमें कम ना भी करे, यदि इस पे यदि अलग देशों से, जैसे अभी रशिया, अमेरिका,
नाइजीरिया, ब्राजील इनसे खरीद रहा है, इनसे सस्ते देश यदि भारत देश को मिल जाते हैं, भारत देश इनसे सस्ते देशों से भारत देश यदि पेट्रोलियम पदार्थ खरीदता है तो ये भी कम हो सकता है। लेकिन यहाँ पर भारत के ऊपर डिपेंड है, भारत सरकार यदि इसमें कम करती है तो कितना कम कर सकती है। मान लो कि भारत देश की सरकार 33 रुपये इस पर टैक्स न लगाते हुए 13 रुपये टैक्स लगाए, यदि 13 लगाए तो भी 20 रुपये वो छोड़ सकती है एक लीटर पर। ये लगा दिया मान लो 10 रुपये से लगा दिया तो 16 रुपये, इवन 16 मान लो, चलो राज्य सरकार 16 रुपये लगा देती है फिर भी 10 रुपये का टैक्स छोड़ देगी। और जो लीडर जो यहाँ पर है डीलर वाला टैक्स है, ये यदि टैक्स 1 रुपये छोड़ दे, इस प्रकार से ये आता है 31। और साथियों 108 से 31 को आप माइनस करेंगे, ये समझ लो लगभग 70 रुपये लीटर पेट्रोल हो सकता है। हमारे भारत देश की प्रधानमंत्री मोदी जी से हम कहना चाहेंगे, 133 करोड़ जनसंख्या आपसे अनुरोध करती है प्रधानमंत्री मोदी जी, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, कि आप इसके ऊपर थोड़ा गौर करिए। 33 रुपये, 36 रुपये, ये 4 रुपये इस प्रकार थोड़ा कम कर देंगे। भारत देश की जनता कोरोना से जूझ रही है, परिवार वालों ने अपने परिवार के एक महत्वपूर्ण सदस्य को खो दिया है, और आप ऊपर से इनसे भारत सरकार हम जनता को मार रही है, थोड़ा कम करिए। ये रेट थोड़ा कम भी कर देंगे तो भी सरकार चल जाएगी, लेकिन यदि ये रेट लगातार बढ़ते रहा जनता आत्महत्या करेगी। तो आप थोड़ा सोचिए, आपसे अनुरोध करते हैं कि भारत देश की सरकार थोड़ा कम करे, जनता को थोड़ा सहूलियत दे, हम आपकी जनता है, आप ही के नीचे हम लोग पलते हैं। आप यदि रेट बढ़ाएंगे तो हाल पाकिस्तान जैसे हो जाएंगे, आप यदि रेट कम करेंगे तो भारत एक सौंदर्य वाला देश बन जाएगा, सुख शांति समृद्धि वाला देश बन जाएगा। आपके ऊपर डिपेंड है पाकिस्तान बनाना है कि भारत देश को सुख शांति समृद्धि बनाना है, आप इस प्रकार से थोड़ा सोचिए। साथो साथ में साथियों और एक बात मजे की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक तो ये पीपीएसी की रिपोर्ट में बता दिया इस रेट से भारत में तय होता है पेट्रोल का रेट, लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ग्लोबल पेट्रोलियम टैक्स जो एक साइट है, ग्लोबल पेट्रोलियम प्राइस की एक साइट है, उसमें क्या कहता है साथियों देखेंगे। जो ग्लोबल पेट्रोलियम प्राइस का जो साइट है वो कहता है इस प्रकार से, यहाँ पर एक ग्लोब 0 डिग्री भारत देश globalpetroleum.com की साइट में कहता है, यहाँ पर एक देश इस देश का नाम है वेनेजुएला, और साथियों यहाँ पर एक देश इस देश का नाम है ईरान। साथियों वेनेजुएला और ईरान दुनिया के ऐसे देश है जिन देश में पेट्रोलियम हमारे यहाँ पानी से भी सस्ता उस देश में पेट्रोलियम मिलता है। हमारे यहाँ भारत देश में 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये, 15 रुपये लीटर पानी मिलता है। यहाँ पर साथ विश्वास नहीं करोगे 4.49 पर लीटर, लगभग 4.5 रुपये एक लीटर पेट्रोल कच्चा पदार्थ 4.5 रुपये का मिल जाता है। तो आप इनसे खरीदिए, इन देशों से आप यदि खरीद सकते हैं इनसे खरीद लीजिए। इसमें हम टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, ये आपका है, अंतर्राष्ट्रीय मामला है, ये आप देखिए यदि खरीद सकते खरीदिए, ये देना चाहते दे सकते तो ले लीजिए, लेकिन ये भी ले रहा है तो ले लीजिए, लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा हमारे ऊपर थोड़ा रहम करिए। तो यहाँ तक का आपको मैंने बताने की कोशिश किया था साथियों, उम्मीद करूँगा आपको टॉपिक समझ आया होगा, यदि आया है तो इस टॉपिक को आगे बढ़ाइए, प्रधानमंत्री मोदी जी तक पहुँचाइए आपके माध्यम से, और हमारे भारत देश के पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी तक पहुंचाइए कि यहाँ पर जो रेट है ये वाला थोड़ा सा कम कर दें, हम भी आप ही के परिवार के लोग हैं। साथियों अगले टॉपिक तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।